वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी इस धरती उत्ते तकरीबन 42 साल शरीर करके रहे। सन 1666 ईस्वी नूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का प्रकाश होया। सन 1708 ईस्वी तक 42 साल गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी शरीर विच रहे और 42 सालों विच इस धरती उत्ते जो कुछ गुरु गोबिंद सिंह महाराज करके विखा गए, सदियां गुजर गई ने, अगां सदियां गुजर जाणगियां। ना कोई गुरु गोबिंद सिंह महाराज वर्गा होया ते ना कोई हो सकता। सात संगत, ये गल कल्ली आपां नहीं कह रहे। मैं कई बार ये बेनती दरबार साहब तो भी कथा विच कीती, दुनिया विच हर चेला अपने गुरु की वड्याई करदा, हर शागिर्द अपने उस्ताद की सोभा करदा, हर मुरीद अपने पीर की वड्याई करदा। इस धरती उत्ते खास करके हिंदुस्तान के अंदर जिहड़े कच्चे पिल्ले कोई शरीरधारी गुरु ने, चंदक लोक तो उन्हां दी भी वड्याई कर रहे ने। जिन्हां शरीरधारी बाबिआं नूं, गुरुआं नूं साध संगत क्रिमिनल केस करके अदालतां ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, चंदक बंदे तो उन्हां नूं भी गुरु मन रहे। पर वड्याई का स्वाद उदों आउंदा है जदों दूजे धर्मां दूजे मजहबां दे लोक वड्याई कर। वड्याई का स्वाद उदों है जदों दूजे धर्मां दे फिलासफर विद्वान वड्याई करन। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज की सोभा वड्याई कल्ली आपां नहीं, दुनिया के तमाम धर्मां दे फिलासफरां ने कीती है। तीन कु बंदिआं दे नाम तुसीं अक्सर सुणदे हो। सनातनी मत का बहुत कट्टड़ विद्वान होया है जिन्हें तुलसीदास की रामायण के अर्थ किए ने, और साध संगत कट्टड़ आरिया समाजी है, पर श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज की वड्याई विच उन्हें एक पुस्तक लिखी है और बड़े सुंदर शब्दों में। वो पुस्तक पूरी करन तो बाद एक चीज़ लिखता है, कहिंदा मैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज की वड्याई विच किताब तो लिख दित्ती पर उस किताब का नाम रखन लग्या मैनू कई महीने लग गए, क्योंकि हर कहानी का वो नाम रख्या जांदा है जिहड़ा उहदे विच बार बार कोई गल सेंट्रल आइडिया आउंदा होवे, केंद्री भाव हो। कहिंदा गुरु गोबिंद सिंह महाराज की वड्याई विच लिखी किताब का नाम रखन लग्या कई महीने लग गए, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह महाराज में कोई एक गुण नहीं। पहला मन में ख्याल आया कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज की किताब का नाम रखा महान सूरवीर गुरु गोबिंद सिंह। कहिंदा नाल ही मन में ख्याल आया, नहीं वो मना, गुरु गोबिंद सिंह महाराज कल्ले सूरवीर नहीं, गुरु गोबिंद सिंह दुनिया का महान शहनशाह। उहदे वर्गा दुनिया च शहनशाह कौन होना है? सवा सवा लख दी चंदन दी चौंकी ते बैंदा है, पर शादी हाथी चौर करदे ने। सवा सवा लख दा पंच कला शस्त्र पैंदा है, कला इत्थे ही वस नहीं, कोई कंगाल गरीब कवि गुरु दे चरणा विच आउंदा है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज उहनू कंगाल तो राजा बना के तोरदे ने, वह जिहड़ा भिखारियां नू वी राजे बणाउंदा है। इदां दा शहनशाह दुनिया विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज वर्गा होर कोई नहीं। ते वो कहिंदा गुरु गोबिंद सिंह कल्ले सूरवीर थोड़ी ने, उत्ते शहनशाहां दे शहनशाह। मन च ख्याल आया लिखा महान शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह। कहिंदा उस वक्त ख्याल उपजया, ओ गुरु गोबिंद सिंह महाराज कल्ले शहनशाह नहीं, मेरा ध्यान गया उस गुरु गोबिंद सिंह महाराज वर जिहदे सीस उत्ते कलगी नहीं, पैरां विच जोड़ा नहीं, ना बाज ना तोड़ा ना घोड़ा ना पैरों में जोड़ा, वस्त्र फटे हुए ने, पैरों में सूलां चुभियां हुई ने, रोड़ां दी सेज उत्ते टिंड दा सराणा लैके इकला ही पिया है,
अपने पुत्र बार सरबंस कुरबान करके आया। एहो जिहा दरवेश कौन होना है जिहड़ा रोड़ां दी सेज उत्ते पै के टिंड दा सराहना लैके रब नाल गल्लां करके कहिंदा होवे ख्याल पातशाही दसवीं मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना जारड़े दा सानूं सत्थर चंगा पट खेड़ियां दा रहना। गुरु गोबिंद सिंह महाराज महान दरवेश ने, दुनिया विच दरवेश बड़े ने, पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज वर्गा दरवेश कौन होणा। कोई सुरत जोड़न वास्ते परिवार छड के जंगलों च जांदा है, कोई सुरत जोड़न वास्ते परिवार छड के भोरियां च बहिंदा है, कोई रब नाल सुरत जोड़न वास्ते पहाड़ां दीयां कंधरां च बहिंदा है। वाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज तेरे वर्गा दरवेश भगत कौन होणा है। सरसा नदी दे कंढे तेरा परिवार विछड़ दे, दुश्मन ने हल्ला बोल दिता है, तमी तू जपजी साहब की बाणी विच सुरत जोड़ के बैठा है, तमी आसा दी वार अंदर चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में, चार छपेरे चमकौर दी गड़ी नू घेरा पै गया। सात संगत हर बंदे नू अपना परिवार बचाउण दी हुंदी है, पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज चमकौर दी गड़ी विच बैठिया भी सूरज डुबदा है, चौंकड़ा मार के सुरत जोड़ लैंदे ने। रब नू कहिंदे ने अखां जीवां विसरै मर जाऊं, अखण औखा साचा नाऊं, साचे नाम की लागै भूख, उत भूखे खाए चलिए दुख। इन्ने संकट विच भी कोई सुरत जोड़ लैंदा वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज है, उहदे वर्गा कौन दरवेश होणा। वो विद्वान हिंदुआं दा कट्टड़ आरिया समझी है, इहदा नाम है लाला दौलत राय आरिया। इन्हें गुरु गोबिंद सिंह महाराज की वडियाई विच पुस्तक लिखी ते कई महीनों बाद इन्हें नाम रख्या सुभान उमरी गुरु गोबिंद सिंह। उर्दू विच किताब सी, हुण इहदा तर्जमा पंजाबी च भी मिलता है। दूजी गल, क्रिश्चन एक बहुत वड्डा अंग्रेज विद्वान होया है, उहदियां लिखतां अज भी यूनिवर्सिटी कॉलेजां विच पढ़ाईआं जांदियां ने। इह खुद क्रिश्चन होण दे बावजूद गुरु गोबिंद सिंह महाराज की वडियाई करनो रह ना सकया। साध संगत ये मैकालिफ खुद अंग्रेज क्रिश्चन ने, मैकालिफ वर्गे फिलासफरां भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज की वडियाई की है। वह लिखदा पूरी दुनिया की हिस्टरी इतिहास में गुरु गोबिंद सिंह महाराज वर्गा योद्धा नहीं, पूरे संसार की हिस्टरी में इस तरह का ना कदे कुछ होया ना भविख में होने की आस है। ये गल एक क्रिश्चन मैकालिफ लिखता है। हुण अगली गल, तुसीं कदे चमकौर साहब जांदे हो, उत्थे दर्शन करियो, जिहड़ा गुरद्वारा कतलगढ़ साहब बनिया ना चमकौर साहब, बाहर खलो के दीदार करियो ते गुरद्वारे दी सामने उच्ची फासील उत्ते एक पंक्ति लिखी है, वह किसी सिख की लिखी हुई नहीं है, वह किसी सिख विद्वान ने नहीं लिखी, वह पंक्ति एक इस्लामिक विद्वान योगी अल्लाह यार खां दी लिखी हुई है। सात संगत एक मुसलमान पंज वक्त दा पक्का नवाजी रोजे रखण वाला हज करन वाला कट्टड़ मुसलमान गुरु गोबिंद सिंह महाराज की सिफत करदा है, ते चमकौर की धरती की खाक चुक के मस्तक नूं ला के उस धरती उत्ते एक पंक्ति लिखी है। उन्हें उस धरती की खाक मस्तक नूं ला के लिखिया है, कहिंदा बस एक ही तीर्थ है हिंद में यात्रा के लिए, जहां कटाए बाप ने बच्चे खुदा के लिए। ये पंक्ति असी नहीं लिखी, एक मुसलमान की लिखी हुई, इत्थे ही बस नहीं, वो हकीम योगी अल्लाह यार खान लिखता है, कहिंदा उल्फत के जे जज्बे कभी देखे नहीं हमने, देखना एक बात कभी सुने भी नहीं हमने, जो कुछ गुरु गोबिंद सिंह महाराज करके विखा गए कलगी त्रपातशाह वर्गा ना कोई कर सके ना कोई कर सकेगा। कहिंदा अखां नाल देखना दूर दी गल, कन्नां नाल भी नहीं सुनिया कदे। कुछ चीज़ां हुंदियां जी जिहड़ियां अखां नाल वेखियां, अखीं डिठा हा, कुछ जो है जिहड़ा वेख्या नहीं बजुर्गों तो सुनिया, पर वह योगी हकीम अल्लाह यार खां लिखदा कहिंदा कन्नां नाल भी कदे सुनिया नहीं, सदियां तक दी कोई खबर नहीं सुनी, इदां धरती ते होया होवे जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कीता। उल्फत के जे जज्बे कभी देखे नहीं हमने, देखना एक बात
कभी सुने भी नहीं हमने। हरजंद मेरे हाथों में पुरजोर कलम है, सतगुर के लिखूं वसफ कहां ताबे रकम है। ते अगली गल लिख दे कहिंदा एक आंख से क्या बुलबुला बहर को देखे, साहिल को मंझधार को जन लहर को देखे। ते जड़ी सब तो वड्डी कमाल दी गल उहने लिखी, वह कहिंदा मैनू कसम है, क्योंकि उन्हूं काजियां हाजियां पुछया जाके उहदे घर, वो तो इन्नी सिफत गुरु गोबिंद सिंह महाराज की कर रहे हैं, तेनू किसी ने पैसे दिते ने, तेनू किसी ने पैसा दिता है। सात संगत दुनिया में कलमा बिक जांदियां ने, माफ करो अज भी कलमा बिकिया हुई ने तुहाडे सामने, सब कुछ चलदा। हिंदुस्तान की लिखत कलम मीडिया बिक गया, वो कुछ दिखाया तो फरमाया लिखा जा रहा है जो कुछ असलीयत नहीं है। कलमा बिक जांदियां ने, उन्हों हाजियां काजियां पूछिया तू बिक गया? एक कट्टर मुसलमान पांच वक्त दा नवाजी रोजे रखन वाला हज गुजारन वाला एक गुरु गोबिंद सिंह दी इन्नी वड्याई क्यों कर रहे हैं? ते उन्हें एक गल कही, दिलों साफ होके इंसाफ करो। मैनू यकीन है वह दिल विच धर्मां दी ईरखा ना रखो, मैनू विश्वास है जिदन दिलों साफ होके जमाना इंसाफ करेगा उदन पूरी दुनिया कहेगी वाह गुरु गोबिंद सिंह तेरे बराबर कोई नहीं हो सकता। वो लिख दे कहिंदा इंसाफ करे जीमे जमाना तो यकीन है, मैनू पूरा यकीन है दिलों साफ होके इंसाफ करो। इंसाफ करे जीमे जमाना तो यकीन है, कह देंगे कि गुरु गोबिंद का सन्नी ही नहीं है। करतार की सौगंध नानक की कसम है, जितनी भी करूं तारीफ गुरु गोबिंद की वो कम है। ये गल मुसलमान लिख रहे, साध संगत क्यों लिख रहे? जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज करके विखा गए। किसी बंदे नूं आपां गृहस्थी बैठे, मैं कई बार सांझ करना हुंदा है, आपां मोह दे वजे हुए। हर बंदा अपने पुत्तां धीआं परिवार लई कमाउंदा है, अपने पुत्तां धीआं परिवार लई बणाउंदा है, सारी उम्र अपने पुत्रां लई जोड़दा ते बणाउंदा चलिया जांदा है। किसी बंदे नूं खबर मिल जाए ना तेरे पुत्र दा एक्सीडेंट हो गया, इन्नी गल सुन के माफ करो उहदियां लत्तां विच भार नहीं चलणगियां, लत्तां फुलन लग जाएंगियां, तुर नहीं सकेगा, उहनूं घर तक तुरना औखा हो जांदा है। उहदियां लत्तां फुलदियां ने, शरीर घबराउंदा है, उहनूं घर तक जाना औखा हो जाएगा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज वर्गा कौन होणा? कल्ली खबर सुनी नहीं, कन्नां नाल अखां नाल पुत शहीद हुंदे वेखे ने, अखां नाल पुत्रां दीआं लाशां कोलों वेख के लंघे ने, तां वी गुरु गोबिंद सिंह दा हौसला कोई पस्त नहीं कर सकिआ। उहदे अंदर दी ताकत गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे हौसले नूं कोई ढाए नहीं सकिआ। बुलंद हौसले विच पातशाह रहे ने। साध संगत श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज कच्ची गढ़ी चमकौर तों चले। मैं सिर्फ तुहाडा ध्यान दिवाउणा है, सक्का तुसीं लगातार सुणिआ है। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज पंथ का हुक्म मन के तुरन लगे। चमकौर की जंग विच एक गड़ी गल बड़ी अनोखी वरती है। चमकौर की जंग में साहबजादा अजीत सिंह आते ने, दुश्मन दे आहू लाए ने, लोथां दे ढेर लाए ते रौला पै गया। उच्ची आवाज में तुरकन्ना फौज ने गल कही, ये गुरु गोबिंद के बड़े फरजंद है। ते साध संगत टुट के पै गए दुश्मन घेरा पा के। ये मदाने जंग विच पहली बार होया किसी दे एक गोली लगी उहदे शहीद होने तो बाद दुबारा गोली नहीं मारी, किसी दे तलवार बजी उहदे मरन तो बाद किसी ने दुबारा बरशी का बार नहीं किया, किसी दे तीर बजन तो बाद वह घोड़े तो डिग के शहीद हो गए उहदे दुबारा किसी ने तीर नहीं मारिया। पर साहबजादा अजीत सिंह गुरु गोबिंद सिंह महाराज के वड्डे फरजंद ने, दुश्मन ने इन्ना गुस्सा गुरु गोबिंद सिंह महाराज का उहदे साहबजादियां ते कढ़िया। इतिहासकार लिखते ने शहीद होने तो बाद भी जालम घेर के बरछियां मारते रहे, धरती ते डिगण तो बाद भी दुश्मन ने सीना छन्नी कर दिता, बरछियां मार मार लोहे की संजोत पेट छाती चाक कर दिती। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जकारे छड़ रहे सन, शहीद होने तो बाद भी जे किसी ने बरछियां मारियां वो दुश्मन ने साहबजादा अजीत सिंह दे मारी।
फिर साहबजादा बाबा जुझार सिंह 14 साल की उम्र है, 1690 जन्म होंदा है साहबजादा बाबा जुझार सिंह जी का, 1704 14 साल की उम्र है। तुसीं पुत्तां वाले बैठे हो सजणो, 14 साल की उम्र में मसां मुछां फुटदियां ने, बालपन तो अजे किशोर अवस्था च पैर रखदा है। तो मेरा ये दुनियावी तौर पर तजर्बा है, जिद्दण किसी का पुत्र 14 सालों का होंदा है, वह प्यो दे मोढ़ियां तक आउण लग पैंदा है, प्यो नूं अपना सहारा जिहा लगण लग पैंदा है, वह प्यो अपने 14-15 वरियां के बच्चे की हर इच्छा पूरी करन लग पैंदा है। उहनूं इंज लगदा है मेरा पुत्र मेरे बराबर हो रहा है, चंगी खुराक का प्रबंध करता है, हर इच्छा उहदी पूरी करता है, चंगे पहनण नूं कपड़े लैके दिंदा है। 14-15 वरियां के बच्चे की इच्छा तुसीं रोकदे नहीं, प्यो कितों भी लियावे इच्छा पूरी करता है। 14 वरियां की उम्र बाबा जुझार सिंह दी अपने पिता अगे हथ जोड़ के खलो गया, पिता जी अज तक मेरी हर इच्छा पूरी कीती है, एक आखिरी इच्छा होर पूरी कर दिओ। गुरु गोबिंद सिंह महाराज बोले, बोलो पिसर, ते जवाब दिता पिता जी ये इच्छा है, जिथे मेरा वड्डा वीरा शहीद होया कृपा करो मैनू शहादत का जाम पीण की आग्या बख्शो। गुरु गोबिंद सिंह महाराज प्रसन्न होकर कहते ने, शाबाश पिसर, अज तू अपने प्यो का कद होर उच्चा कर दिता, मदन ने जंग में जाने की इजाजत दी, ये अखां नाल वेख्या गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने। बाबा जुझार सिंह, बाबा अजीत सिंह की शहादत लाश तो अगां गुजर गए, दुश्मन ने घेरा पा के नेजिया का बार किया, कट्ठे नेजे मार के घोड़े तो सुट लिया, फिर पोएं डिगे शहीद होने तो बाद भी बाबा जुझार सिंह का शरीर बरशिया मार मार के पड़ दिता, शहीद होने तो बाद भी मारते रहे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सब कुछ वेखते रहे, तो साध संगत किन्ना हौसला होएगा, कल्ला वेख्या ही नहीं, फिर पंजां दा हुक्म मन के जदों चमकौर दी लाशां दी ओ गड़ी चों लंघे उस मैदान च, इतिहास कहिंदा दोम पुत्रां दे कोलों लंघे ने। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने एक बार भी मूंह घुमा के मोढ़ा फेर के नहीं वेख्या पुत्रां वल, एक बार भी अपने पुत्तां वल नज़र फेर के वेख्या नहीं, मगर तुरे आउंदे प्यारे दया सिंह ने आवाज मार के कहा, दाता श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज बोले, दस दया सिंह तैनों की हो गया है। गला भर के दया सिंह तो बोलिया ना जाए, इको गल हाथ जोड़ के कही, पातशाह लंघ ते इंज चले हो जिमें कुछ वेख्या ही ना होवे, एक बार नज़र भर के वेखते लेंदे तुहाडे पुत्रां दीआं लोथां पईआं ने, महाराज तुहाडा पूरा गुस्सा दुश्मन ने तेरे साहबजादियां ते कढ़िया है, वेखो तो सही शहीद होने तो बाद भी वर्षियां मार मार के शरीर टुटे टुटे कर दिता है, शरीर चाक कर दिता है। महाराज इन्ना लहू किसी होर शहीद का चमकौर की धरती ते नहीं डुलिया जिन्ना तेरे पुत्रां दा डुलिया, क्यों शहीद होने तो बाद भी वर्षियां मारिया ने। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज बोले, दया सिंह किहदा चेहरा निहारा, किहदे वल वेखा, वो मैनू पुत्तां तो प्यारे सिख ने, मेरे अजीत तो पहला मेरे प्यारे हिम्मत सिंह शहीद ने, मेरे अजीत तो पहला भाई मदन सिंह शहीद ने, वो किहदे किहदे चेहरे नू वेखा। प्यारे दया सिंह छड परां अगां चलीए, गुरु गोबिंद सिंह महाराज दो कदम तुरे, तिक विद्वान लिखदा प्यारे दया सिंह ने वह गल कह दिती जिहड़ी किसे भी प्यो दे दिल च टक पा सकदी सी। प्यारा दया सिंह प्यार विच बोले, कहिंदे महाराज तू दीन दुनी दा बादशाह, तू शहनशाह दा शहनशाह, तेरे पुत्रां वास्ते हे गुरु गोबिंद सिंह महाराज अज मैनू ये वेख के अफसोस हुंदा है, वह जिन्हां वास्ते संगतां पोशाकां लै लै खलौंदियां सन, जिन्हां दे पैरां विच मखमली जोड़े सन, जिन्हां दे शरीर ते पशमीने दीआं पोशाकां सन, अज तेरे पुत्रां दा शरीर छाती पेट चाक करके टुटे पए ने। महाराज तू शहनशाहां दा शहनशाह, तेरे पुत्तां नूं 2 गज कपड़ा भी नसीब नहीं होया, तेरे पुत्रां नूं कफन भी नसीब नहीं, इस धरती ते गरीब तो गरीब बंदा होवे वह भी बिना कफनों नहीं जांदा, उहनूं कफन पै जांदा है। महाराज
कंगाल तो कंगाल, गरीब तो गरीब बंदा भी होवे उहनूं भी कफन नसीब हुंदा है। तू शहन शाह दा शहन शाह, तेरे पुत्रां नूं दो हथ कपड़ा भी नसीब नहीं। महाराज मेरी अर्ज मनो, मैं दुमल्ला खोल के दिंदे दो टोटे करके मूँह ढक जाओ। जिहड़ी गल प्यारे दया सिंह ने कही, ज्ञानी चरण सिंह सफरी साहब ने लिखी, वह किसी भी प्यो दे दिल ते टक पै सकदा सी। पातशाह नूं पुकार के कहा, गरीब तो गरीब मापे। महाराज इस धरती ते गरीब तो गरीब बंदा पे है, पर कफन सब नूं मिलता है। गरीब तो गरीब मापे जग विच पए ने, कफनों बगैर दस कींदे पुत गए ने। गरीब तो गरीब मापे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज बड़े ठरमे नाल बोले, कहिंदे दया सिंह शहीदां दियां लाशां कफनां दियां मुहताज नहीं हुंदियां। शहीदां नूं कफनां दी जरूरत नहीं, रहण दे इहनां नूं इसे हाल विच। जदों महाराज अगां तुरन लगे, प्यारे दया सिंह ने एक गल कही, महाराज मैं पता क्यों आख्या है, तेरे पुत्रां दा शरीर छाती तो पेट तक जालमां बरशियां मार के टोटे कर दिता है। हे गुरु गोबिंद सिंह महाराज, मैं तां तुहानूं आख्या है इन्हां दा कपड़ा पा के शरीर ढक जाओ, कल सवेरे दिन चढ़ना है, इल्लां आकाश विच्चों आउणगियां, तेरे पुत्तां दा मास नोच नोच के खाणगी। पातशाह ने जवाब दिता, दया सिंह खालण दे मास, फिर की होया, मेरे पुत्रां दीआं लाशां दा मास इल्लां नोच नोच के खाणगियां। ओ दया सिंह, जिन्ना मास नोच के इल्लां आकाश विच उच्चा उड़नगियां, एक दिन इन्ने उच्चे मेरे पंथ दे केसरी निशान साहिब झूलणगे। सतसंगत श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे कहे होए बोल अज पूरी दुनिया के अंदर प्रचलित ने। अज पूरे वर्ल्ड में 300-300 फुट उच्चे निशान साहब झूलते ने। कदे दिल में हाथ मारियो, ये साढ़े करके नहीं, ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज की कुरबानी करके, ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज के लखते जिगर फरजंदा की शहादत करके है, ये साढ़े करके नहीं। मैं अगे भी एक बार बेनती की, अपने मन च हाथ मारियो, साढ़े को 80% तो वध सिखां दे कोल ईरखा तो सवाए है की है, एक दूजे नाल ईरखा द्वेष। गुरद्वारियां दे अंदर ईरखा, असी धर्म का प्रचार कर नहीं सके, माफ करियो, असी दूजिया नूं सिख की बनाउणा है, साडे अपने कोलों रुस के पुज गए, साडे ते अपने कोलों जा रहे ने। खैर ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज की कुरबानी करके अज निशान झूलते ने। आ थोड़े दिन पहला रौला पिया ना, पंजाब के किसान दिल्ली की हिक ते चढ़ के बैठे ने, सात संगत उत्थे रौला पिया जी, केसरी निशान ना लाओ। क्यों जी? कहिंदे केसरी निशान ना लाओ, कल्ला किसान का झंडा लाओ, सरकार ते मीडिया कहिंदे खालिस्तान ने। नहीं सात संगत, असी उत्थे दो चार दिन गए भी, और ये जवाब उत्थे मीडिया नूं भी दिता है, सात संगत जिहड़े कहिंदे ने केसरी निशान खालिस्तान ने, ये मीडिया ते सरकार दी चाल हो सकती है, उन्होंने दिल ते हथ रख के सोचना चाहिए। वो जिस दिन 71 दी जंग पाकिस्तान नाल सिखां जीती, उदन सिख लाई फौज ने बार्डर उत्ते केसरी निशान चलाए, नाल तिरंगा चलाया, उदन केसरी निशान खालिस्तान नहीं सी। जिस दिन 65 दी जंग में चाइना के बार्डर उत्ते केसरी निशान लगे, उदन तुहानू खालिस्तान नहीं नज़र आउंदा। जदों खालसा ही फौज जिहनू अज सिख आर्मी कहिंदे, जिथे सिख आर्मी जाती है उत्थे तिरंगे दे नाल टैंकां उत्ते केसरी निशान झूलदा है, उदों तुहानू केसरी निशान खालिस्तान क्यों नहीं नज़र आउंदा? साध संगत, ये साध संगत अंदर एक चाल है, ईरखा द्वैश। मैं तो उत्थे भी बेनती की, जिथे सिख जांदा है उत्थे गुरु नाल जांदा है, क्योंकि गुरु अंग संग है। दुकालंग परनासी दयालंग सरूपे, सदा अंग संगे अपंगंग भूते। जिथे सिख आर्मी जाएगी उत्थे गुरु ग्रंथ साहिब नाल, जिथे सिख उत्थे गुरु नाल जांदा है, ते जिथे गुरु होवे उत्थे निशान जरूर झूलदा है। ये गुरु की निशानी है। और तुसीं उह बार्डर ते वेखे हुण, जाके देखिया होना तुहाडे कोल नैट उत्ते तस्वीर आई ने, 400-400 फुट उत्ते उत्थे टावर लगे ने, 400 फुट उत्ते।
और सात संगत चार चार सौ फुट उच्चे जियो दे टावर ने उहदे उत्ते चढ़ के नौजवानां केसरी निशान चला दिते ने। 8 किलोमीटर तो दूरों केसरी निशान दिखता है। ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज की कुरबानी करके एक बेनती होर किन्ना रौला पिया जी पंजाब विच नशिया ने जवानी खा ली छेवां दरिया वग गया नशिया ने घुण ला दिता है। ये ठीक है नशे वधे ने नशे विके ने पंजाब च नशिया के जरूर इस तरह होया कि हड़ आया जी कहते नशिया का दरिया वग नशे विके ने नशे वधे ने पर तुहानू इस गल ते विश्वास होना चाहिए ये पंजाब की धरती गुरुआ की धरती है। इत्थे गुरु गोबिंद सिंह दे लालां दा लहू डुलिया होया है। इत्थे जिन्ने मर्जी को नशे वेचण वाले आ जाण पंजाब की जवानी नूं खोरा नहीं ला सकते पंजाब की जवानी नूं घुण नहीं ला सकते ये नशे पंजाब का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? इस धरती ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने अमृत का बट्टा तैयार किया और वो सब कुछ वेख्या तुसीं जिन्हां नूं कहिंदे सी जवानी खा लई सजणों चार चार क्विंटल दे पत्थर नौजवान खिंच के हत्थां नाल परे कर जिहड़े पत्थर उन्हें करीना नाल रखे पंजाब के नौजवानों ने हत्थां नाल खिंच दिते। मैं उत्थे पुछया उन्होंने जिहड़ा करेन नाल पत्थर 25-30-40 क्विंटल का रखे वह तुसीं किवें खिंच लिया हत्थां नाल पत्थर नहीं जे खिंचया जा सकता वह पत्थर मैं वेख्या 30-40-50 क्विंटल का भी हो सकता बहुत भारा पत्थर है उन्होंने लिया के मोहरे रख दिता करेन नाल। मैं पूछा तुसा किवें खिंच लिया वो कहिंदे हत्थां नाल ते रुड़दा नहीं सी। फिर भाई साहब असी 10-15 नौजवानों ने अपनियां दस्तारां खोलियां केसकियां रहण दित्तियां दस्तारां नाल गंढां बन के पत्थर नूं पा के 20-25 नौजवानों ने उह साध संगत 40-50 क्विंटल का पत्थर भी परे कर दिया। हरियाणे वाले हैरान हो गए अरे भाई दस्तार ये काम भी पग आउंदी है असी तो कहा पग कल्ले बन्नण लई है इस काम भी आउंदी है। हुण एक गुरमुख प्यारे ने 5000 दस्तार उत्थे बार्डर ते कल्ली है कल्ले पंजाबी नौजवान लड़के नहीं बनते हरियाणे वाले भी बनने लग पे। साध संगत ये गुरु दे पंथ की वड्याई है। क्यों? गुरु गोबिंद सिंह महाराज इस धरती से कुरबानी कर गए तो अल्लाह यार खां कहिंदा है ओ दुनिया दे लोको उल्फत के जे जज वे कवि देखे नहीं हमने दो पुत्रां दीआं लाशां कोलों लंघे अंदर दा हौसला पस्त नहीं होया। कदे कोई बड़ा तकड़ा पहलवान वो कहिंदे 2.5-2.5 क्विंटल वजन चुक लैंदा सी जिद्दण उहदा पुत गुजर गया ना अर्थी चुकनी पई उह तों चुकना होवे किसे बजुर्ग ने मिठा जिहा मीणा मारिया और तू तो अखाड़िया 2.5-2.5 क्विंटल वजन चुक दिंदा सी 60-70 किलो की लाश क्यों नहीं चक्की जाती पहलवान की भुब निकल गई। उन्हें कहा बजुर्गो अखाड़िया वाह वाह खट्टन 3-3 क्विंटल चुक लईद पर सज्जनों पुत्रां दीआं लाशां चुकनियां बहुत औखियां ने अखाड़िया 4-4, 3-3 क्विंटल चुकना सौखा है पुत्तां दीआं लाशां चुकनियां बहुत औखियां ने। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कलगी पातशाह उस जगह तो गुजर गए तो हौसला पस्त नहीं होया। वो एक निशानी सुनियो जी जदों महाराज 12 किलोमीटर दूर आए ना चमकौर साहब तो तुसीं दर्शन करो जिन्हां भैणां कोल छोटे बच्चे ने पिछे बिठाओ 12 किलोमीटर गुरु गोबिंद सिंह महाराज अद्धी रात को चलदियां तुर पए तो तुरदियां तुरदियां वो जगह पर दिन चढ़िया हल्का जिहा सूरज लगा अजे धुंद नाल आकाश ढकिया होया है सूरज की लौ लग गई है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज झाड़ियों विच्चों कच्चे रस्ते लंघ रहे ने वस्त्र जम्मा लीरो लीर होया है पैरों विच जोड़ा नहीं अपनी मस्ती विच गुजर रहे ने। अचानक वो पिंड दे बारों बारों लंघे उस पिंड दे दो गुजरां ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं वेख लिया। इन्हां ने बग चरना छड्डिया सी पशु एक ने वेख के दूजे नूं कहा वो अल्फू ओ मैनू जापदे गुरु गोबिंद सिंह लंघ रहे ने ते ओ अल्फू ने कहा गंबू तैनूं किवें पता बई वो कहिंदा मैं कई दिनों की खबर सुनना गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं चमकौर की गड़ी च घेरा पिया है मैनू लगदा कहिंदे ने कल जंग बहुत वड्डी होई है इंज लगता गुरु गोबिंद सिंह महाराज उत्थों निकल गए होणगे चल गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं घेरीए ते पकड़ के सरहंद दे नवाब कोल दे दईए इनाम प्राप्त करांगे। कहिंदे ने दुम्मे गुजरां ने लालच करके गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं घेर लिया
लंबियां डांगा मोहरे करके रोक के क्या महाराज रुक जाओ, तुसी गुरु गोबिंद सिंह हो। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज बड़े ठरमे नाल बोले, कहिंदे हाँ भई मैनू ही लोग गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे ने, दसो तुहानू की काम है। दोवें गुजर हस के हंकार च बोले, महाराज तुसी पकड़े गए हो, साडा पिंड ये रंगड़ गुजरां दा पिंड है, हुणे रौला पावांगे, तुहानू पकड़ के सरहंद लैके जावां। पातशाह बोले तुहानू की मिलना है? वह कहिंदे महाराज सरकार तो इनाम लवांगे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज बोले, कहिंदे इनाम ही लैना है, इनाम मैं दे दिंदा, जे तुसी इनाम ही लैना है इनाम मित्तों लै लो, पर राह ना रोको। पातशाह ने खीसे में हाथ पाया, अपने खीसे चो एक सिमरना सोने का कढ़िया, जिहड़ा किसी संगत ने प्रेम विच भेंट किया सी, पातशाह ने किसी की प्रेम भेटा संभाली सी, वह सोने का सिमरना गुजरां नूं देख के कहा, लो काका ऐ इनाम, इन्ना इनाम तुहानूं सरकार ने भी नहीं सी देना। जदों सोने का सिमरना लिया ना अल्फू ते गमू ने, कहिंदे दोवें जने वेख के बड़े खुश होए, मन के गिणन लग पए अद्धो अद्धी किन्ने किन्ने आउणगे। इन्ने नूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज अगां तुर गए, दस क कदम तुरे, दोवां गुजरां दे मन च लालच आ गया, जेडे गुरु गोबिंद सिंह महाराज इन्ना सौखा सोने की माला दे गए ना, इहदा मतलब डरे हुए ने घेर के पकड़ा के इनाम भी लै लैंदे, अंदर लालच वध गया, लोभ दे हलकियां ने फिर भज के घेर लिया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं रोक के कहिंदे, महाराज रुक जाओ, सिमरना तां मिल गया सोने का, हुण तुहानूं पकड़ा के सरहंद तों इनाम भी लवांगे। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने बचन कहे, ओ गुजरो तुसी हुण हलक गए हो, तुहानूं लोभ दा हलक पै गया। जिहड़ा बंदा लोभ विच हलक जाए, ये हकीकत है, उहदा दुनिया विच कोई धर्म कोई रिश्ता कोई नाता नहीं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा तुसी हलक गए हो, इहो गल गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी ने कही, लोभी का वेसा ना कीजै, जे का पार वसाए, अंतकाल तिथे तो है, जिथे हथ ना पाए। साहब ने कहा, हे लोभा लंपट संग सिर मोरे, अनक लहरी का लोलते, तवंत जिया बहु प्रकारंग, अनक भांत बहु डोलते। लोभी बंदे दा दिल कदे नहीं टिकदा, वह डोलदा रहिंदा। जदों पातशाह ने कहा तुसी लोभ विच हलक गए हो, मेरा रस्ता छड़ दिओ, दोवां गुजरां ने डांगा मोहरे करके कहा, महाराज तुसी पकड़े गए हो। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने फिर अपनी शमशीर कढ़ी, एक गल कही, मैं तुहानूं मारना नहीं सी चाहुंदा, पर तुसी मैनूं मारन ते मजबूर कीता। साध संगत, श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने ये बचन कहे, तुसी हलक गए हो, हुण तां मारना पै। ये दुनिया में सच है जी, तुसी परिवारां वाले बैठे हो, घरां च कई लोग ना कुत्ते रख लैंदे, मालक बड़ा ख्याल रखदे, अपनी रोटी खांदे फिर पुछदे वे कुत्ते नूं रोटी ब्रैड पाया कि नहीं पाया, कुत्ते नूं दुध पाया कि नहीं पाया। लोग ब्रैड ते दुध कुत्ते नूं बड़ा ख्याल रखदे ने, पर जिद्दण रख्या होया कुत्ता हलक जाए, उद्दण पहलां मालक नूं वढ़दे, ते जिहड़ा मालक दुध ते ब्रैड पाउंदे ना, जिद्दण कुत्ता हलक जाए मालक नूं खुद कुत्ता मारना पैंदा, क्योंकि वह हलक गया। दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज कलगीधर पातशाह बोले, कहिंदे मैं तुहानूं मारना नहीं सी चाहुंदा, पर तुसी हलक गए हो, हुण मैनूं मारन ते तुसी मजबूर कीता। जदों महाराज तुरन लगे, इन्हीं डंगां दा वार कीता, दसवें पातशाह ने शमशीर ते रोक लिया। वार रोकण तों बाद गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने इक्को ही वार कीता, इक्को झटके विच दोवें गुजर झटका के रख दित्ते। साध संगत, तुसी हुण ये अंदर सोच के वेख्यो, दो पुत्रां दीआं लाशां कोलों लंघे ने, हौसला फिर इन्ना बुलंद है? इत्थे संसारी तौर ते मैं पहलां कहा, खबर मिल जाए जी तुहाडे लड़के दा एक्सीडेंट हो गया, तुहानूं तुरना तुरना औखा हो जाएगा, लत्तां फुलण लग पैणगीआं, उह जगह तक जाणा औखा हो जांदा है, पर धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज दोवां पुत्रां दीआं लाशां कोलों लंघ के आए ने, एक वार भी अंदर दा हौसला पस्त नहीं होया। कदे बहादुर शाह ने पुछया हजूर साहब नादेड़ साहब की धरती, कहना पातशाह मैं तुहाडे जीवन तो हैरान है, कदे तुसी सवा सवा लख दे तख्त ते बैठदे हो, कदे तुहाडे दर ते कंगाल कोई गरीब आउंदा है तुसी खजाना लुटा दिंदे हो,
कदे गुरु गोबिंद सिंह महाराज तुसी सवा सवा लख दे प्रशादी हाथी की सवारी करते हो, हे गुरु गोबिंद सिंह महाराज फिर कदे आनंदपुर साहब छड़ना पैंदा है, कदे तुहानू 8 महीने भुख ते दुख दे कटने पैंदे ने, कदे सब कुछ बाहर के रोड़ां दी सेज ते टिंड दा सराहना लैके दरवेशां दी तरह रहिंदे हो, कदे कोल घोड़ा भी नहीं पैदल चलते हो। महाराज इन्ना कुछ जीवन में उतार चढ़ा दुख ते सुख वेख्या है, अज तुसीं किहो जिहा महसूस कर रहे हो? जिंदगी दा बहुत दहाके लंघे, ये घाटे वाधे दुख सुख सब कुछ वेख्या है, महाराज किदां दा महसूस हो रहा है? श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जवाब दिता, कहिंदे बहादुर शाह कभी हम बुलंदी से गुजरे तो कभी हम पस्ती से गुजरे, कदे मैं बहुत बुलंदियों तो गुजरे हैं, कदे बहुत ज़्यादा दुखा चो गुजरे हैं, पर एक गल याद रखें, कभी हम बुलंदी से गुजरे तो कभी पस्ती से गुजरे, पर जहाँ से भी गुजरे बड़ी मस्ती से गुजरे। मैं जिथों भी लंघे बड़ी मस्त हाल में लंघे, भावें पुत्र वार दिते ने, मेरे अंदर दी मस्ती नहीं खोई खो सके। साध संगत तुसी उस गुरु गोबिंद सिंह महाराज कलगी पातशाह दे लालां दा दिन मना रहे हो। समा मेरा समाप्त है, जथा पहुँच गया, कल नूं वो दिन आने वीर जी तुहानूं दस रहे सी जदों साहबजादियां दा शहीदी दिहाड़ा सरहंद की धरती फतेहगढ़ साहब की धरती ते मनाया जाना, दोवां साहबजादियां नूं कंधां विच चिंडण दा हुक्म हुंदा है। और साध संगत सरकार की चाल वेख्यो, मां गुजरी नूं इह गल सवेरे ही पता लग गई, अज मेरे पोतियां नाल आ कुछ होना है। पता क्यों? सवेरे दिन चढ़दियां ही ठंडे बुरज के सामने छोटियां इट्टां सुटनियां शुरू कर दित्तियां, मिट्टी रला के गारा बनाउणा शुरू कर दिता। अज मां गुजरी नूं सवेरे उठदियां ही भस गया, अज कोई बड़ा वड्डा साका होना है, अज कोई बड़ा वड्डा दुखांत वरतना है। इट्टां सामने क्यों सुट रहे ने, गारा क्यों रला रहे ने? तुसीं फतेहगढ़ साहब जायो ते दर्शन करियो, जिथे ठंडा बुरज बनिया होया ना गुरद्वारा ठंडा बुरज साहब, उत्थों बिल्कुल सामने 3 फरलांग उत्ते वो अस्थान बने जिथे साहबजादियां दा शहीदी अस्थान, जिथे वो दीवारां वाला अस्थान है, बिल्कुल ठंडे बुरज दे सामने। क्यों? अखां दे सामने कंधां च चिणांगे, जदों कंधां मूँह तक जाणगियां गल घुट होण तक आउणा है, आपे ही मां गुजरी धाह मार के कह देगी, वे रुक जाओ मेरे पोतियां नूं छड़ दिओ। दादियां नूं पोतियां नाल दे हुंदा है, ये साध संगत किन्ना वड्डा कष्ट है, एक दादी दी अखां दे सामने पोतियां नूं कंधां चिणना। कहिंदे ने जदों साहबजादियां नूं फतवा सुना के खिलार दिता ना लिया के, दोवां पास्यों कंध उसरनी शुरू होई, ना मां गुजरी ने मूँह फेरिया है ना साहबजादियां ने मूँह फेरिया है। साहबजादियां दा मूँह मां गुजरी वल दे पासे, धन माता गुजरी दा मूँह साहबजादियां वल दे पासे, एक दूजे नूं दूरों वेखदे रहे, अखां दे सामने पोते कंधां विच लुकदे वेखे, पर अंदर दा हौसला मां गुजरी दा टुटिया नहीं। चरण सिंह सफरी साहब ने पंक्तियां बड़ियां दर्द नाल भरियां लिखियां, कहिंदे उह जलाद जिहड़ा इट्टां फड़ाउंदा सी ना, गारे दे पज ठंडे बुरज कोल गया, सामने तो रो भी नहीं सी सकता, क्योंकि सामने उच्ची फसील ते वजीर खान बैठा है, कोल काजी खड़ा है, सब वेख रहे ने। इधरले पासे मां गुजरी वेख रही है, हुण वह जलाद रो भी नहीं सी सकदा। इट्टां पकड़ाउण वाला वह मजदूर कहिंदे बहाने नाल ठंडे बुरज कोल जांदा है, अखां भर के रो के कहिंदा, किद्दां दी दादी है तू, तेरा दिल नहीं पिघलदा, तेरे पोतरे मर चले ने, एक बार कह दे धर्म छड्डिया पोते बच जाणगे। जिहड़ी गल वो मजदूर ने कही, उहनूं वो विद्वान लिखदा है, कहिंदा भज्जा भज्जा एक गया जलाद ते कहण लगा मां गुजरी नूं, जोड़ा एक मसूमा दा रह गया सी, हुण जापदा वह भी नहीं, रहण लगा मां गुजरी नूं, कहिंदा वड्डे पोतरे दादे दे मगर तुर गए, छोटे आसरा सन वह भी ढहण लगा, बैठ नेरे दे विच तू अम्मीए नहीं, वह तेरे चंद नूं लगन ग्रहण लगा। जिहड़ी गल वो मजदूर ने कही किन्नी दर्द वाली सी,
ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੋਲਿਆ ਬੇਟਾ ਲਾ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਦੇਖ ਕਿਸਮਤ ਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰੀਏ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੇਟਾ ਲਾ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਦੇਖ ਕਿਸਮਤ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰੇਸ਼ਮ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਸੈਂ ਇੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੇ ਹੋ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਲਾਦ ਨਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋਹਰੇ ਰਦਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਕੱਦ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਲੁਕਿਆ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਮਾਸੂਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਦਾ ਅਖੀਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਪੱਜ ਗਾਰੇ ਦੇ ਫੇਰ ਜਲਾਦ ਭੱਜਾ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜਰੀ ਤਾਈ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀਏ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਏ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਹਾਰੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਆਖਦਾ ਏ ਗੁਜਰੀ ਉੱਤੇ ਕਹਾਰੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਇੱਟਾਂ ਫੜਾਉਣਾ ਜਾ ਫੜਾ ਜਾ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਮੁੱਕ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਫੜਾ ਜਾ ਕੇ ਵੇ ਜਾ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੇ ਵੇ ਕਿਣਿਆ ਕਾਹਤੋਂ ਤੂੰ ਕਿਣੀ ਜਾਂਦਾ ਕੰਧ ਮਿਣੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਫਨ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮਿਣੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕੰਧਾ ਨਹੀਂ ਮੁਗਲੀਆ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਫਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਣ ਗਈਆਂ ਮੁਗਲੀਆ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਕਫਨ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਵੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਕ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਫੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਆਖਰੀ ਰਦਾ ਬਾਬੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਤ ਗਿਆ ਜਲਾਦ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਖੂਨੀ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਇੱਟਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਅੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਹਾਰੀ ਦੇ ਛੇਕ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਸੀਨਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਥਰ ਥਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਧਰਤੀ ਕੰਬ ਗਈ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣੇ ਗਏ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਗੁਜਰੀ ਮੇਰੀ ਅਲ ਗੁਜਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੇ ਘੜੀ ਘੜੀ ਗੁਜਰੀ ਪਲ ਪਲ ਗੁਜਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤੀ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੋਤੇ ਤੋਰੇ ਆ ਹੁਣ ਮੌਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚੱਲ ਗੁਜਰੀ ਲੋਕ ਗੁਜਰੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਈਓ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਚੱਲ ਗੁਜਰੀ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਲੁੱਕ ਗਏ ਕਾਂਢੀ ਟੇਸੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪਲ ਸੁੰਨ ਛਾਈ ਰਹੀ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਕੰਧਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੋਏ ਆ ਗਏ ਉੱਚੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਰਾ ਬੋਲਿਆ ਓਏ ਵੇਖੋ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਨਵਜਾਂ ਟੋਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਲਾਦ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿਓ ਖੰਜਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵੜ ਦਿਓ ਦੋਮਾਂ ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਦੋਮਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਗਲ 'ਤੇ ਖੰਜਰ ਰੱਖਿਆ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਈ ਪਲ ਸਰੀਰ ਤੜਫਦੇ ਰਹੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ ਅਸਹਿ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਦਿਆਂ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਰੋ ਦੀਵਾਨ ਟੁੱਡਰ ਮੱਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਲਵੇਰਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਨ ਆਇਆ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਲੈ ਲਾ ਪੂਰੇ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਡਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰ ਗਿਆ ਸਰਹੰਦ ਟੱਪਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੱਤੇਵਾਲ ਅੱਤੇ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਸ਼ੱਕ ਦੇ ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੁੱਲ ਮੰਗ ਲੈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ ਚੌਰਸ ਮੋਹਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੋਹਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਸਾਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ
मां गुजरी वास्ते चिखा बनाई, लकड़ा ते शरीर धरिया, मां गुजरी की छाती उत्ते दोवे साहबजादे धर दिते, चिखा दियां लकड़ां विच लुको, टोडर मल ने संस्कार किया। अज भी तुम जो जायो तो उत्थों की फर्द कटा के वेख लियो, जिहड़ा ज्योति स्वरूप स्थान है ना जिथे संस्कार होया, वह सरहंद की जमीन नहीं, वो जमीन अज भी अत्तेवाल पिंड की जमीन च बोलती है। सरहंद विच किसी जमीन ना दिती, ये मेरे कलगियां वाले की मौज होनी है उस धरती उत्ते, नहीं फिर अत्तेवाल की जमीन में संस्कार होया। अज वो स्थान गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप साहब है जित